अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए रिव्यू लेके हैं, इसको रिव्यू तो हर नहीं कहेंगे, लेकिन आज हम आपके सामने आईफोन 13 प्रो मैक्स का कैमरा टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे इसका कैमरा कैसा है। इस वीडियो को पॉसिबल बनाया इकबाल मोबाइल ने। अगर आप इस मोबाइल के मतलब किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कीमत मालूम करना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट्स में सबसे टॉप पे आपको इनका नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और ये मोबाइल खरीद भी सकते हैं, 100% रिकमेंडेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैमरे की, माइक्रो शॉट्स की। आप 2 मिलीमीटर तक करीब लेके जाके आप शॉट्स ले सकते हैं। माइक्रो शॉट्स के जरिए आप वीडियो भी बना सकते हैं और पिक्चर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्ड कैमरे के कितना करीब है और फिर भी फोकस में है। जो मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं आगे। ये तो कुछ सैंपल जो कि हमने माइक्रो शॉट्स लिए थे। अब बात करेंगे इसके अंदर एक और इन्होंने फीचर ऐड किया है, जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक फिल्टर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और इन फिल्टर के जरिए आप अपना भी कोई फिल्टर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट आपको नीचे मिल जाती है, आप उसको कंट्रोल करके अपनी मर्जी के मुताबिक कोई फिल्टर बना सकते हैं। अब बात करेंगे मेरा और सबका फेवरेट मोड, सिनेमैटिक मोड। यार सीरियसली मुझे काफी अरसे से इंतजार था कि आईफोन के अंदर जो है ब्लर सिस्टम मिले, वो भी वीडियोज में। वैसे मैं आपस की तो मेरे पास खुद DSLR दो पड़े हुए, लेकिन जब से आईफोन में पोर्ट्रेट मोड आया उस वक्त के बाद मुझे नहीं याद कि मैंने DSLR कब इस्तेमाल किया। अब तो इन्होंने वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड दे दिया, यानी कि ब्लर पीछे बैकग्राउंड जो कि इनके कहने के मुताबिक सिनेमैटिक मोड है। शायद अब पहले मेरा मूड बना था कैमरा लिया जाए, लेकिन अब जो है इस पे अपग्रेड किया जाएगा इंशाल्लाह जल्द ही बैक टू सिनेमैटिक मोड। प्रोनाउंसिएशन आई थिंक सो ठीक होगी, लेकिन अब बात करेंगे इसकी डिटेल में। सिनेमैटिक मोड का जो मेन जो है इसके अंदर किया गया, उसका मकसद यह है कि आपकी वीडियोस में बैकग्राउंड ब्लर करना। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, आपको मैं जो है एक्चुअल वीडियो सैंपल दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं कैसे बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है, ये आप चेक आउट दिस, यार मजे का। और एक और इसके अंदर ये बहुत बेनिफिट है कि आप अगर देख रहे हैं कैमरे की तरफ, अगर आप बैक साइड पे करेंगे तो उस पर फोकस कर देगा आपको, डिफोकस आप दोबारा देखेंगे आपको फोकस कर देगा और बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। ये चीज मेरे दिल को छू गई है यार, लिटरली। और एक और मजे की बात जो बकाया फोनों में नहीं होती, इसकी वीडियो बनाने के बाद आप एडिटिंग में इसके फोकस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन आपको जो है सेल्फी कैमरा के अंदर भी मिल जाता है। इस दफा इन्होंने एक और चीज चेंज किया, जो जूम है ना वो 3x तक ले गए। 11 प्रो मैक्स में जो है 2x था, 12 प्रो मैक्स में आई थिंक सो के 2.3x था, और 13 प्रो मैक्स में 3x तक जो है जूम ले गए हैं। अब आपको जो है इसका जूम टेस्ट कराते हैं वीडियो सैंपल के साथ। लास्ट में आपके साथ कुछ पिक्चर्स सैंपल और कुछ वीडियो सैंपल शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।